ओके तर गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले भी हॉनर की तरफ से आने वाले फाइनली बहुत दिनों के बाद एक पैड की गेमिंग रिव्यू के बारे में। जी हां गाइस, हॉनर ने हमारे इंडिया में भाई अपना हॉनर पैड 8 4G इस पैड को लॉन्च कर दिया। एंड बेसिकली जो पैड होने वाला वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये पैड गेमिंग में कैसा होने वाला है भाई, यही आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली बात करने वाले भाई हॉनर पैड 8 इस पैड के गेमिंग रिव्यू के बारे में, जानेंगे कि भाई ये पैड गेमिंग में कैसा होने वाला है और इस पैड को आपको कंसिडर करना भी चाहिए नहीं गेमिंग के लिए। उसी के साथ साथ हम इसके जायरोस्कोप पहले इसके हीट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पबजी मोबाइल फिर BGMI में आपको ये बाय डिफॉल्ट में क्या ग्राफिक्स प्रोवाइड करके देता है, ओवरऑल क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं और किस प्राइस सेगमेंट के साथ में आपको ये पैड देखने को मिलता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी कारण से भाई हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो भाई इस वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक। बाकी चलो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हमारी आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। ओके तर, काफी लंबे समय के बाद में भाई फाइनली हमारी इंडिया में हॉनर कुछ हमारी इंडिया में लॉन्च कर रहा है, तो ये काफी अच्छी बात भी निकल के आती है। लेकिन हाँ, प्राइवेसी को लेकर थोड़ा खतरा भी निकल के आता है, क्योंकि हॉनर पे जो एलिगेशंस लगे थे पहले कि चाइना में वो हमारा डेटा सेल करता है। लेकिन होप करते हैं कि भाई आगे ऐसा कोई भी इशू ना आए और इंडिया में लॉन्च हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बेटर हुआ ही है, इसलिए हॉनर हमारे इंडिया में अपने स्मार्टफोन्स को या फिर पैड को लॉन्च कर पा रहा है। तो होप करते हैं कि भाई ये पैड में आपको कोई भी इशू ऐसा देखने को ना मिले। बाकी बात करते हैं भाई हॉनर पैड 8 4G के लुक एंड अपीयरेंस के बारे में, तो भाई टिपिकल जैसे पैड्स देखने को मिलते हैं, ये भी पैड आपको वैसे ही देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे आपको बैक पैनल में एक कैमरा की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, फ्लैट एजेस देखने को मिल जाते हैं और आपको फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है, जो कि भाई कोई भी पंचुअल डिस्प्ले आपको देखने को नहीं मिलता है। आपको जो चीन देखने को मिलती है वहीं पर आपको एक कैमरा की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल लुक एंड अपीयरेंस के मामले में ये पैड जैसे बिल्डिंग फिनिशिंग प्रोवाइड करके देने वाला है, जिसमें कोई भी कंप्लेंट प्रोवाइड करके नहीं देता है। लेकिन इस पैड में जो आपको स्पेसिफिकेशन फीचर्स जो देखने को मिलने वाले हैं वो बिल्कुल आपका दिल खुश कर देने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तगड़े देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले भी हॉनर पैड 8 4G के गेमिंग रिव्यू के बारे में और जानने वाले कि पैड परफॉर्मेंस के मामले में कैसे परफॉर्म करने वाला है। इसलिए हम लोग हॉनर पैड 8 4G इस पैड के धमाकेदार स्पेसिफिकेशन फीचर्स और इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में तेरे इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाले। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस पैड की गेमिंग रिव्यू के बारे में, जान लेते कि भाई आखिर ये पैड एग्जैक्टली गेमिंग में कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो इसी कारण से भाई हम इस पे टेस्ट करने वाले हैं पबजी मोबाइल को, बेसिकली BGMI को, एंड दोनों में ही आप आपको जो बाय डिफॉल्ट में ग्राफिक जो देखने को मिल जाएगी वो देखने को मिल जाएगी भाई स्मूथ में। हाई जी आ गए, इससे आपको बाय डिफॉल्ट अनलॉक देखने को मिलता है स्मूदर हाई। और वही बात करते हैं इस फोन के हाईएस्ट ग्राफिक्स के बारे में, तो यहाँ आपको बैलेंस में मीडियम ग्राफिक्स का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, यानी कि मिनिमम ग्राफिक्स में आप 30 FPS एंड मैक्सिमम ग्राफिक्स में आप 25 FPS में गेमिंग कर पाओगे हॉनर पैड 8 4G इस पैड के साथ में। अब देखा ग्राफिक्स के मामले में डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है, मिनिमम यहाँ पे आपको 4 FPS तो देखने को मिलना ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपको 30 FPS देखने को मिलता है। हालांकि 30 FPS की परफॉर्मेंस के मामले में ये पैड आपको बिल्कुल भी डिस्पोर्ट नहीं करता भाई, TDM इरांगल इवन सेनअप के बूट कैम में भी ये प्रॉपरली 30 FPS को मेंटेन कर पाता है, कहीं भी आपको कोई भी इशू देखने को तो नहीं मिलेगा। बट अगेन क्वेश्चन तो वही निकल के आता है कि अभी के टाइम के लिए अगर आपको इस पैड में 30 FPS देखने को मिलता है तो वो कोई जस्टिफिकेशन वाला काम देखने को नहीं मिलता है। आप इस पैड में कैजुअल गेमिंग तो कर पाओगे, बट अगर आप इस को गेमिंग के लिए कंसीडर करने के बारे में सोच रहे थे तो उस कंडीशन में जो पैड होने वाला वो एक बेटर ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 30 FPS तो ऑल द टाइम मेंटेन कर पाता है, पर कई कई इंटेंस सिनेरियो में यहाँ पे आपको लैग वाला इशू भी देखने को मिल जाता है, फ्रेम ड्रॉप्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो कैजुअल गेमिंग के लिए हॉनर पैड 8 4G पैड बहुत ही अच्छा ऑप्शन तो निकल के आता है, बट अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो उस कंडीशन में जो पैड निकल के आता है वो आपको उतनी बेटर गेमिंग बिल्कुल भी प्रोवाइड करके नहीं देने वाला है, इसलिए मैं इस पैड को आपको गेमिंग के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं। बाकी बात करते हैं फोन के जायरोस्कोप इसके हीट मैनेजमेंट के बारे में, इस फोन में आपको जायरोस्कोप भी देखने को नहीं मिलता है, एंड सरप्राइजिंगली यार इस पैड में आपको ज्यादा हीटिंग वाला इशू भी देखने को नहीं मिलता है। 30 FPS में कोई भी स्मार्टफोन या फिर कोई भी पैड ज्यादा हीट नहीं होता है, बड़ा एरिया होने के कारण इसकी हीट जो है वो काफी अच्छी तरीके से डिसिपेट भी हो जाती है। तो अगर आप इस पैड में एक घंटे के ऊपर की गेमिंग भी कर लोगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो 36-37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता है, 32 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पे, तो हीट मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा देखने को मिल जाएगा लेकिन परफॉर्मेंस आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलने वाली है। पर जो भी हो यार, बात करते कि आखिर आपको ऐसी परफॉर्मेंस किस स्पेसिफिकेशन एंड किस प्राइस सेगमेंट के बेसिस पे देखने को मिलने वाली। तो गाइस बात करते हैं भाई हॉनर पैड 8 4G इस पैड के कुछ धमाकेदार स्पेसिफिकेशन फीचर्स एंड इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में। तो यार अभी आप देख सकते हैं भाई इसके स्पेसिफिकेशन को, मैं इसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सो दैट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 12 इंचेस का, जी हाँ गाइस, आपको 12 इंचेस का एक नॉर्मल 60 हर्ट्ज़ के रिफ्रेशिंग रेट वाला, एक 2K रेजोल्यूशन वाला, एक IPS L3
डिस्प्ले जी आ गए, इससे आपको 2K रेजोल्यूशन वाला एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, वो भी 12 इंचेस के साथ में। और अच्छी बात है कि आपको 120 का असेंबलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको 1 बिलियन कलर्स का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो भाई ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में, मल्टीटास्किंग में भी ये डिस्प्ले आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव करने वाला है। आपको डिस्प्ले के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा और वन ऑफ द टॉप नॉच लेवल का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा अगर हम इसको एंड्रॉइड की पैड में कंसीडर करते हैं तो काफ़ी अच्छा ऐप आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ ऐप आपको LPDDR4X रैम एंड UFS 2.2 रोम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। कोई भी ऐप आपको 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलने वाला। जी आ गया, आपने सही सुना कि भाई इस पैड में आपको कोई भी 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलेगा। तो यार थोड़ी डिस्पॉइंट करने वाली बात ही निकल के आ सकती है, बट ये एक टैबलेट निकल के आता है, यानी कि एक पैड निकल के आता है और इतने बड़े पैड में आपको डेफिनेटली 3.5mm जैक देखने को मिलना चाहिए था, बट वही आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलता। बाकी अच्छी बात यह कि आपको 8 स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 4 बेस देखने को मिल जाएंगे और 4 ट्रेबल भी देखने को मिलने वाले। तो भाई ऑडियो क्वालिटी के मामले में ये पैड जो होने वाला है वो बिल्कुल इंसेन लेवल का पैड निकल के आने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई मल्टीटास्किंग में Honor Pad 8 ये जो पैड निकल के आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंसेन पैड निकल के आने वाला है भाई डिस्प्ले के मामले में एंड ऑडियो क्वालिटी के मामले में। आपको ये बिल्कुल भी डिस्पॉइंट नहीं करेगा, यानी कि अगर आप कंटेंट वॉचिंग करते हो तो आपको इस पैड में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। 7250mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है विद 22.5W के चार्जर के साथ में। तो यहाँ पर आपको बैटरी भी काफी तगड़ी देखने को मिल जाती है एंड चार्जर भी काफी इंसेन लेवल का देखने को मिल जाता है। लेकिन वही बात करते हैं इस पैड के मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट के बारे में, जो कि निकल के आया था इसका प्रोसेसर। तो गाइस इस पैड में आपको देखने को मिलता है Qualcomm की तरफ से आने वाला भाई Qualcomm Snapdragon 680 चिपसेट। जी आ गए, इससे आपको Snapdragon 680 चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि भाई 6 NF पे बना हुआ चिपसेट है, डुअल 4GB चिपसेट है, यानी काफी सारे फोन्स में ऑलरेडी आ चुका है एंड इसकी परफॉर्मेंस को भी देखा है। ये बहुत ही डिसेंट सा चिपसेट निकल के आता है, जो कि आपको नॉर्मल टास्क में तो बिल्कुल भी डिस्पोर्ट नहीं करता है, बट अगर आप इस चिपसेट के साथ में हार्डकोर गेमिंग एक्सपेक्ट करोगे तो उस कंडीशन में जो चिपसेट निकल के आता है वो आपको डेफिनेटली डिस्पोर्ट करने वाला है। हालांकि 6 NF होने के कारण ये काफी ज्यादा बैटरी इफिशियंट निकल के आता है, तो आपको इस पैड में बहुत ज्यादा मजा आने वाला भाई कंटेंट वॉचिंग में। बाकी बात करते हैं इस पैड के प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो हमारी इन्हें में जो पैड है वो 2 ही वेरिएंट के साथ में लॉन्च हुआ है, 4GB 128GB एंड 6GB 128GB। एंड इसका जो बेस वेरिएंट निकल के आता है, यानी कि 4GB 128GB, वो हमारे इन्हें में लॉन्च हुआ है लगभग 20,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में एंड इसका हायर वेरिएंट लॉन्च हुआ है लगभग 22,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में। तो देखा रहे इस प्राइस सेगमेंट के साथ में अगर आप एक ऐसा पैड चाहते हो जिसमें आपको बहुत ही बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाए, यानी कि 12 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिल जाए, ऑडियो क्वालिटी काफी तगड़ी देखने को मिल जाए और कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले भी काफी तगड़ा देखने को मिल जाए और आप उसमें कैजुअली गेमिंग भी कर पाओ, तो उस कंडीशन के लिए Honor Pad 8 4G पैड बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन निकल के आता है। आप इसे डेफिनेटली कंसिडर करने के बारे में सोच सकते हो, बट अगर आपको पैड सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए चाहिए तो उस कंडीशन के लिए पैड जो निकल के आता है वो इस प्राइस सेगमेंट के साथ में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। इसी के प्राइस सेगमेंट में आप सेकंड हैंड आईपैड भी ले सकते हो, जिसमें आपको गेमिंग बिल्कुल टॉप नॉच लेवल की देखने को मिल जाती है। बाकी यार आप सभी की क्या राय है भाई इस पैड के बारे में, मुझे आप कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बताइएगा कि क्या आप इस पैड को बाय करना पसंद करोगे या नहीं। एंड हां, अब तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, आपको लिंक मिल जाएगा भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डेफिनेटली जाओ और मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड बाकी अगर आपको IQ Z6 Lite 5G के गेमिंग रिव्यू के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो को भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था, मैं मिलता हूं आपको अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।